नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट से सीखो। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स ने बीएससीबी डीएलएड के लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और एग्ज़ाम का डेट भी जारी हो चुका है। कौन से डेट में इसकी एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करना है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। जैसा कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, 2020 एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा देंगे ताकि जो भी वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसके जो भी नोटिफिकेशन है, मैं आपको नोटिफिकेशन और इसका जो भी वेबसाइट का लिंक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसमें डाल दूंगा। आप वहां पर जा करके उस लिंक पे क्लिक करके आप सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि इसका ऑफिशियली वेबसाइट का सारा लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपसे डाल दूंगा। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं इसके वीडियो पे। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा है जो कि बिहार की नई भर्ती है। 7000 पदों के साथ बिहार में प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति और मैंने इसमें सारी जानकारियां बताई हुई है। और जो भी बिहार में अपना ज़मीन का नक्शा निकलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि किस तरह से बिहार का नक्शा निकाला जाता है, ज़मीन का नक्शा निकाला जाता है, मैंने इस वीडियो में बताया हुआ। और दोस्तों, 1767 पोस्ट की जो है बहाली की प्रक्रिया चल रही है जो कि अमीन की भर्ती है। और दोस्तों, बिहार में जो कि जो भी कैंडिडेट BS PHS CL के लिए रिक्वायरमेंट 2020 की जो भी बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में फॉर्म को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आई बटन पे इसका अपलोडेड जो भी अपलोड मैं नया वीडियो में अपलोड करता हूँ मैं अपने आई बटन पे उसे मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आई बटन पे भी क्लिक करके आप अपने सारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे। जो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, वो भी मैं पूरी लाइव के साथ दिखा रहा हूँ और मैं सारी जानकारियाँ आपको लाइव के साथ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड का जो डीएलएड का फॉर्म भरा गया है, किस तरह से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और किस तरह से इसे क्या कौन से तारीख में इसकी एग्ज़ाम है, मैं आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और जो भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा देंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ और इसका ऑफिशियली वेबसाइट का जो भी लिंक होगा दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पर जा करके उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग तिथि 2019 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2019 थी और इसकी जो एप्लीकेशन जो पेमेंट देने की अंतिम तिथि थी वो 29 दिसंबर 2019 थी और एडिट करने के लिए 30 दिसंबर 2019 को 19 से लेकर के 3 जनवरी 2020 तक जो है इसकी दी गई थी। और किस तरह से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर DLED ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट 2020 13/3/2020 13/3/2020 को जो है 10 बजे से इसकी स्टार्ट हो चुकी है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की। और दोस्तों, इम्पोर्टेंट कुछ निर्देश भी दिए गए हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि सारे इस वीडियो पे आकर के इस वेबसाइट पे आकर के आप सारी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो मैं आपको इस रेड पर आपको इसे क्लिक करना है और उसके बाद इसके टेलीग्राम ग्रुप क्लिक करके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, इंटर कोड शो इन इमेज जो कि यहाँ पे हरे रंग का जो आप इसमें शो कर रहा है कैप्चा, इसे इसमें डालने हैं। तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा दोस्तों, उस एप्लीकेशन नंबर को इसमें डाल लेने हैं, डेट ऑफ बर्थ को डाल लेने हैं, इस कैप्चे को इस बॉक्स
इसमें डाल करके आपको लॉगिन पे कर देना है। जैसे आप इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको एक पेज आपको दिखाई देगा, उस पेज को आपको डाउनलोड कर लेने हैं, प्रिंट आउट निकाल लेने हैं, जो कि आपका एडमिट कार्ड होगा, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेने हैं और प्रिंट आउट करके निकाल लेने हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास किसी का भी एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप हमसे हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको शेयर कर देने हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से निकाल करके अगली वीडियो में बताऊँगा किस तरह से एप्लीकेशन को निकालना है और उसे एडमिट कार्ड को कर देना। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें, 28 मार्च को इसकी जो है दोस्तों एग्जाम होने वाली है और आप लोगों को 28 मार्च को आप लोग कमर्स के तैयार हो एग्जाम के। और मैं आपको इस तरह का इसका एडमिट कार्ड होता है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा किस तरह से इसे डाउनलोड करना है और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है और क्या क्या उसमें चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक हमारा यह वीडियो रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी कैंडिडेट्स ने इसके लिए फॉर्म को फिलअप किया हुआ है वो इस एडमिट कार्ड को निकाल करके प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें और 28 मार्च को वो एग्जाम देने जा सके। दोस्तों हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबका धन्यवाद।